हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बाजार जैसे दानेदार बेसन के लड्डू। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 250 ग्राम बेसन। अगर हम कप में देखें तो 2 कप बेसन है। 200 ग्राम हमने देसी घी लिया है। 200 ग्राम बूरा लिया है। यहाँ हमने बादाम और पिस्ता को बारीक बारीक काट लिया है। ये हमने 7 से 8 लिए हैं। मग्ज लिए हैं, ये भी हमने 3 से 4 चम्मच लिए हैं। पानी लिया है और इलायची पाउडर लिया है। तो चलिए बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी हम सारा नहीं डाल लेंगे, थोड़ा सा रख लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। घी को सिर्फ हमने गर्म ही करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम धीरे धीरे करके बेसन डालेंगे। अगर हमें घी की मात्रा कम लगेगी तो हम और घी डालेंगे, लेकिन पहले ही हम सारा घी नहीं डालेंगे। अभी हमें लग रहा है कि घी कम है, लेकिन बाद में ये घी जब ये भून जाएगा तो ये घी छोड़ देगा। गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे। कम आंच पे हम इसे धीरे धीरे भूनेंगे। जरूरत पड़ने पर ही हम घी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। जैसे कि हमें अब यहाँ जरूरत नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। हमें इसको लगातार चलाते रहना है। हम बेसन को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। जितना बेसन भुना हुआ होगा उतने ही हमारे लड्डू स्वादिष्ट बनेंगे। अगर हमारा बेसन कच्चा रह जाए तो बेसन मुंह में चिपकता है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था, लेकिन अब इसने थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक ये भुना नहीं है। तो इसको अच्छे से हम पेशेंस करके अच्छे से हिलाएंगे, भूनेंगे अच्छे से। और भूनना हमने कम आंच पर ही है, लो ही रखना है हमें। अगर आप गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे तो भून तो जाएगा वो, लेकिन एक तो लड्डू नहीं अच्छे बनेंगे और एक वो मुंह में चिपकेगा।
और बढ़िया रेसिपी है बेसन के लड्डू। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। अगर हमारा बेसन अच्छे से भुना हुआ होगा तो उसमें गुठलियां भी नहीं पड़ेंगी। कईयों की शिकायत होती है कि गुठलियां बन जाती हैं। ये देखिए लगातार चलाते हुए इसने और घी छोड़ दिया है, लेकिन अभी हमें इसको और भूनना है क्योंकि अभी ये और भूनेगा। ये देखिए घी हमारा छोड़ दिया है बेसन ने, बेसन पूरी तरह से भून गया है। ये देखिए इस स्टेज पे हम पानी में थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे, येलो कलर का फूड कलर। ये देखिए जो ये बबल्स आ रहे हैं यही हमारे लड्डू में दाना बनाए, दाना बनना शुरू हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बेसन हमारा हो चुका है पर इसको हमने छोड़ना नहीं है, अगर हम छोड़ देंगे तो ये काला पड़ जाएगा। इसको लगातार चलाते रहना है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। बेसन को हमने अब ठंडा करना है, ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, बस हमें थोड़ा सा गर्म लगना चाहिए क्योंकि अगर हमने गर्म में बूरा डाल दिया तो वो पतला हो जाएगा जिससे कि हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इसको मिक्स कर देंगे। इतना हमारा बेसन ठंडा हो रहा है, हम मग्ज भून लेते हैं। गैस पे हमने पैन रख दिया है, अब इसमें हम मग्ज डालेंगे और इसको थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो हमें उसको थोड़ा सा भून कर ही डालना चाहिए। थोड़ा सा फ्लेम कम कर लेंगे। ये देखो कैसे फूले फूले हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिश्रण ठंडा हो गया है, हमारी उंगली बीच में जानी चाहिए, मतलब थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, थोड़े से पिस्ता हम गार्निश के लिए रख देते हैं, मग्ज, और बूरा।
हम हाथों तो से ही कर देते हैं। फ्रेंड्स ये लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कई लोग कहते हैं कि बाज़ार वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये तो बाज़ार वालों से भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि इसमें देसी घी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब कुछ अच्छा है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार है। इसको हम इसी तरह से हम सारे सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बने हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।